हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों के बाद एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लेके आया हूँ। एक दो मेरे सर्च वीडियो में कमेंट आए थे, तो हेयर के लिए वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि बाल गर्मी में सबके झड़े ही हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ आप नेचुरल तरीके से आप कुछ चीज़ें फॉलो करोगे तो आई होप कि आपका हेयर फॉल नहीं होगा। नॉर्मली सबका गर्मी के दिन में होता ही होता है, चाहे कोई कितना भी केयर कर ले होता है, क्योंकि गर्मी पड़ता ही है। सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ, विशेष प्रोडक्ट, वो है कैस्टर ऑयल। कंपनी का नाम नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था, बढ़िया है। डेली 5 बूंद नारियल तेल में मिला करके, 10 बूंद ये, 5 बूंद ये, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है दोस्तों। ये प्योर नारियल तेल है, जैसे बनता है नारियल का वो वाला है प्योर। इस और बताता हूँ आपको, कोई भी शैम्पू ले लेना है, हालांकि आप लोगों को पता चल गया होगा ये कौन सा शैम्पू है, फिर भी मैं कंपनी का नहीं दिखा रहा हूँ ना। इसमें क्या क्या है, इसमें रीठा है, आंवला है, भृंगराज है, हीना है, सिका का, नीम, तुलसी, बाकुची, हल्दी, गिलोय, घृत कुमारी और आमा हल्दी है। इतने सारे प्रोडक्ट्स इसमें हैं। अगर आप लोग बोलोगे एक एक का, तो एक एक का एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर लेके आएंगे। फिर से एक बार सुनाते हैं, रीठा, आंवला, भृंगराज, हीना, सिका का, नीम, तुलसी, बाकुची, हल्दी, गिलोय, घृत कुमारी और आमा हल्दी, इसमें इतना प्रोडक्ट है। मैं यही यूज करता हूँ इसको। अब देखिए ये दोस्तों, ये है रीठा। सप्ताह में एक बार मैं एक ही बार लगाता हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है रोज़ रोज। अरे गिर गया, देख सकते हैं ये है रीठा। आपका बाल कितना बड़ा है, कितना लंबा है, उसके हिसाब से आप लोग इसका यूज कर सकते हो। ये आपको मिल जाएगा आयुर्वेद स्टोर पे, जहाँ ये सब बेचा जाता है। और ये है सूखा हुआ आंवला, देख लीजिए। एक बार इसका एक फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊँगा, आंवला, रीठा और शिकाकाई का, केवल तीनों का। अभी जल्दी जल्दी मैं केवल एसेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बता दे रहा हूँ। और ये है दोस्तों शिकाकाई, ये भी यूज किया जाता है। ज़्यादा औरतें इसको अच्छे से यूज कर पाती है, मैं भी कोशिश करता हूँ, वीक में एक बार ट्राई कर लेता हूँ। अभी ज़्यादा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जब हो जाएगा तो आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं यूज करता हूँ दोस्तों। तो फिर से आप लोगों को रिवीजन करके बताता हूँ। आंवला, रीठा, शिकाकाई इसमें है, ये तीनों बहुत ही एसेंशियल है। वीक में आप अपनी आवश्यकता अनुसार 1 या 2 दिन यूज कर सकते हो। ये एकदम प्योर नारियल तेल है, आप कोई भी ट्रस्टेड ब्रांड का भी यूज कर सकते हो। और ये कैस्टर ऑयल आरंडी का तेल, ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है दोस्तों, तो आप लोग इसको डबल क्वांटिटी में नारियल तेल और उसका एक हाफ ले लेना, तो मिक्स हो जाएगा। और एक शैम्पू जिसमें केवल बढ़िया चीज़ हो, सल्फर नहीं मिला हो, गलत चीज़ें नहीं हो, आयुर्वेदिक ही हो। तो इतना 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़, आंवला, सिका का 3, नारियल तेल 4 और एक अरंडी का तेल 5 और एक पतंजलि। चलिए नाम ही बता देता हूँ, पतंजलि का मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ, अच्छा ही है। आंवला, रीठा, शिकाकाई इसमें सब कुछ है, 1 रुपये का मिलता है, देख सकते हैं। तो ये अच्छा ही प्रोडक्ट है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ, अरे रुक, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं।